Everybody sing that shit. What is up, everyone? This is me, Mukesh, and welcome guys to Mukesh Network, and we are back with another one. Yo guys, कल हमने snitches get stitches का एक ट्रैक रिएक्ट किया था और हमने कल ही बोला था कि snitches get stitches को हम शुरुआत कर ही चुके हैं तो फिनिश भी कर लेते हैं. सो एक के बाद एक गाना जरूर आने वाला है snitches get stitches का. और मुझे कल ये एल्बम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला कि ये एल्बम प्लान्ड नहीं था, प्री प्लान्ड नहीं था, ड्रॉप जस्ट हो गया, यूं ही ड्रॉप कर दिया सिद्धू मूसेवाला ने बिना कुछ सोचे समझे, इसीलिए क्रेडिट्स भी नहीं दिए गए, कुछ डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया गया. बट लोगों का प्यार ज़रूर मिला स्निचेस गेट स्टिचेस को, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को सब सुनना चाहते हैं. एंड उनका और एक ट्रैक फ्रॉम द एल्बम बॉस लेकर आ चुके हैं. सो लेट्स गेट इट मैन, लेट्स गेट इट. 1 2 3 हियर वी गो. ट्रिपिंग Snappy man, we have the music producer here. Music producer का नाम आ गया है. So Snappy, let's get it man. लोग music देख रहे हो आप, music देख रहे हो. ऐसे इसीलिए Snappy और Intense मुझे पसंद है, ऐसे बढ़िया trippy music बनाते हैं. ये ड्रेक वाइब लग रहा है मेरे को, ड्रेक वाला वाइब लग रहा है मैन. Drops man. ओ ये नया एलिमेंट आया देखो एंड में. Snappy.
होल्ड अप आई थिंक ये पहला एक ऐसा गाना होगा जिसको मैंने पॉज आई थिंक एक 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 या दो बार किया होगा, शुरुआत में पॉज किया होगा और फिर मैंने पॉज ही नहीं किया. यू नो व्हाई? बिकॉज आई थिंक ये जो बीट था पहले तो बहुत ही इंस्पायर्ड था ड्रेक के गानों से. यू नो ड्रेक काफ़ी ऐसे म्यूजिक बनाते हैं, ऐसे बैंग, मतलब बीट ड्रॉप्स इतने धमाकेदार नहीं होते, इसमें बीट ड्रॉप्स हैवी थे. आप अगर हेडफोन सुन रहे हो, आप अगर ईयरफोन में सुन रहे हो तो आपको बीट्स पता लगेंगे, ऐसे धक टक करके लगेगा दिल में. बट क्योंकि म्यूजिक की वजह से, सो पहली बार एक ऐसा गाना मुझे मिला है जिसमें सिद्धू मूसेवाला के जो वर्ड्स हैं और उनके वॉइस, आई मीन जो जिस तरीके से उन्होंने वो फ्लो कर रहे थे बीट पे, सिद्धू मूसेवाला बहुत अमेजिंग, जिस तरीके से उन्होंने एक मेलोडिक वे में पूरा वर्ड्स ख़त्म किया, अपना सारा का सारा वर्ड्स ख़त्म किया, हुक गाया और जितने भी थे हुक, प्री हुक, वर्सेस, सब बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही मेलोडिक वे में लेके गए. लेकिन उससे ज़्यादा पहली बार सिद्धू मूसेवाला के वॉइस और सिद्धू मूसेवाला के वर्ड्स से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड था म्यूजिक में. मैन स्नैपी, टेक अ बाव हर वक्त स्नैपी और इंटेंस खतरनाक म्यूजिक के साथ आते हैं. आई मीन जितने भी सिद्धू मूसेवाला के साथ जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर कोलैबोरेट किए हुए हैं सब बढ़िया है. बिग बर्ड से शुरुआत करके द किड तक सब बढ़िया है. लेकिन स्नैपी और इंटेंस का मुझे म्यूजिक बहुत स्पेशल लगता है, बहुत ही अलग लगता है. और ये अलग इन टर्म्स ऑफ लाइक ये इंस्पायर्ड था ड्रेक से, लेकिन फिर भी ये हमारे इंडियन हिप हॉप के लिए अलग है. इंडियन हिप हॉप, इंडियन पॉप के लिए ये अलग है, यू नो. सो ब्यूटिफुल. स्निचेस गेट स्टिचेस का दूसरा ट्रैक बॉस, एंड ये जो पोस्टर है इसमें ही काफ़ी ज़्यादा बार्स है. आप देखिए एक हाथ है फेक स्नेक, स्नेक वैसा फेक होते हैं जो आपसे दोस्ती करते हैं लेकिन आपको डस्ट देते हैं जब टाइम बुरा चलता है आपका, तब डसते हैं. और कड़ा जिस हाथ में है, कड़ा उस वो डेफिनेटली सिद्धू मूसेवाला का. एनीवे द कर्मा विल हिट यू बैक, स्निचेस गेट स्टिचेस. और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये बोला गया कि ये एल्बम आफ्टर द यू नो कोलिजन बिटवीन द थ्री ऑफ देम, ये ट्रैक, ये एल्बम ड्रॉप हुआ एक दिन अचानक, किसी को खबर नहीं था और ये ड्रॉप हो गया. सो बहुत लोग ये उनको शॉर्ट्स, यू नो एज ए शॉर्ट्स उनके लिए ये गाना बोला गया, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे ट्रैक्स हैं जो डेफिनेटली शॉर्ट्स वगैरह नहीं है. एक आई थिंक इसमें एक ट्रैक है बापू, होपफुली वो अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, बट विल सी दैट. बट फिलहाल ये बॉस है, स्निचेस गेट स्टिचेस, द कर्मा विल हिट यू बैक का दूसरा ट्रैक. एंड प्ले लिस्ट में मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके इजिली वहाँ पर सुन सकते हो. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि तीसरा ट्रैक फ्रॉम दिस एल्बम क्या होना चाहिए. एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई बी पोस्टिंग रेगुलर कंटेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय. ट्रिपी मैन.